सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के न्यू 7 प्रो डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को शो कैसे करेंगे। जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वो कितनी स्पीड से आपका इंटरनेट रन कर रहा है आप इसको अपने स्टेटस बार के अंदर देख सकते हैं। अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं सेटिंग को इनेबल कैसे करना है अपने डिवाइस के अंदर। गाइज इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, एक बार इसको हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर अगेन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्क्रॉल करके वापस नीचे आना है, इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी स्टेटस बार, आप इसको प्रेस करेंगे। इसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो हम इसको अगर अनचेक कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन काम नहीं करेगा। मैं आपको नेट भी इसका ऑन कर देता हूँ। अभी हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं शो कर रहा, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो 0 kbps का यहाँ पर एक इंडिकेटर आ चुका है। हम कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इंटरनेट का एक्चुअल स्पीड हमें शो नहीं कर रहा है। हम जैसे इसमें कोई चीज़ ब्राउज करेंगे तो ये दिखाएगा हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो अच्छा डेमो कर लेते हैं इसका भी, एक बार प्ले स्टोर को रन करते हैं। प्ले स्टोर के अंदर हमने रन करा तो इसकी जो स्पीड मिली 1.14 का यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर 42 का स्पीड मिला। ये आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, इवन डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो भी आप इस पर करते हैं वो तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे। सो आई होप कि आप समझे होंगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कैसे करना है आईक्यू के न्यू 7 प्रो डिवाइस के अंदर।